हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की। और अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की, और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन यानी समष्टियां। बच्चों, प्रकृति में कोई भी जाति है उसका एक इंडिविजुअल जीव अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। जीव क्या करते हैं, अपने भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, उनके लिए कंपटीशन करते हैं, संकरण इनब्रीड करते हैं, और इस प्रकार वे मिलके पॉपुलेशन की रचना करते हैं। संकरण में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वेटलैंड के कौवे, जंगल के बांज के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, छोड़े गए घर के चूहे, तालाब के कमल आदि कुछ पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा डिजायर ट्रेट को विकसित करने का कार्य पॉपुलेशन लेवल पर ही होता है, यानी एक ही प्रजाति के सजीव समूह तथा इनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी को यानी इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यानी विकास के साथ जोड़ता है। बच्चों, पॉपुलेशन में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इंडिविजुअल यानी व्यष्टि, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल जीव में नहीं होते हैं। जैसे इंडिविजुअल जीव पैदा होता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती हैं। आइए कुछ और समष्टि के लक्षण जानते हैं जो केवल पॉपुलेशन में ही होते हैं, व्यक्ति में या इंडिविजुअल में नहीं होते। जैसे कि समष्टि का आकार और घनत्व, पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा है जन्म दर, बर्थ और नेटेलिटी। अगला है मृत्यु दर, डेथ और मोर्टेलिटी। और फिर चौथा है लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो। पहले हम बात कर लेते हैं जन्म दर और मृत्यु दर की। बच्चों, जो जीव होता है वो पैदा होता है और मरता है, और किसी पॉपुलेशन में जीव के संतति उत्पन्न करने या नई विष्टि को जन्म देने की जो दर है उसे जन्म दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर, डेथ रेट या मोर्टालिटी क्या होता है, ये जन्म दर के ठीक विपरीत होता है। विपरीत का टर्म है एक निश्चित समय में किसी पॉपुलेशन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे एक तालाब है, उसमें पिछले साल कमल के 20 पौधे थे, ठीक है। इस साल 8 नए पौधे पैदा हो गए, टोटल पौधे हो गए 28। तो कमल के उस तालाब के कमल के पौधों की प्रति वर्ष जन्म दर कितनी होगी, 8/20 यानी 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष, ठीक है। और अगर मृत्यु दर की बात करें, एक प्रयोगशाला का उदाहरण दिया गया है। प्रयोगशाला में 40 फल मक्खियां थी जिन पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एक हफ्ते में 4 जो फल मक्खियां हैं वो मर गई। तो मृत्यु दर कितनी हो गई, 4/40 यानी 0.1 व्यष्टि यानी इंडिविजुअल प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह, ठीक है। बच्चों, अब हम बात करते हैं लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो की। लिंग अनुपात क्या होता है, पॉपुलेशन का एक विशिष्ट गुण लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात होता है। जैसे समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में भिन्न आयु वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, भिन्न भिन्न आयु वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। यदि किसी पॉपुलेशन के लिए आयु वितरण का आलेखन किया जाता है, यानी आयु वितरण के हिसाब से दी गई आयु अथवा आयु वर्ग के व्यष्टियों का यानी इंडिविजुअल के प्रतिशत का आलेखन किया जाता है, तो इससे बचने वाली रचना को, संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। इससे पता चल जाता है कि समष्टि की स्थिति क्या है, क्या वो बढ़ती हुई है, क्या वो स्थिर है या फिर वो घटती हुई है, एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या फिर डिक्लाइनिंग है, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ पर जन्म पूर्व की जो
पॉपुलेशन है वो दी गई है जननशम, ऐसे विष्टियां जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनमें रिप्रोडक्शन की दर खत्म हो गई है, रिप्रोडक्शन की क्रिया जो है वो उसका ह्रास हो गया है, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेट। अगर प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल ज्यादा हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है तो ऐसी पॉपुलेशन को बढ़ती हुई या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। यदि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है तो ऐसी पॉपुलेशन को कहेंगे स्थिर या स्टेबल, और जबकि ऐसी पॉपुलेशन जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो ऐसी पॉपुलेशन को कहेंगे घटती हुई या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब हम बात कर लेते हैं समष्टि के आकार या घनत्व की। समष्टि के आकार या घनत्व को समझने के लिए आकार से साइज, जब हम साइज की बात करते हैं तो हम समष्टि में बेसिकली हम नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम नंबर्स की बात करते हैं कि इस पॉपुलेशन में इतने इंडिविजुअल हैं या इतनी विष्टियां हैं। लेकिन कभी कभी जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर हम नंबरों का पता नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि कल्चर प्लेट में कितने हमारे जीवाणु हैं, कितने सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे पता हम नहीं लगा सकते हैं। समुद्र में कितनी मछलियां हम गिन के पता नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, सापेक्षित देखते हैं। जैसे मछलियों की संख्या हमें झील में पता लगानी हो तो हम ट्रैप में पकड़ी गई मछलियों की संख्या के हिसाब से पता लगाते हैं। जैसे हमने किसी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का पता लगाना हो या टाइगर रिजर्व में बाघों का पता लगाना हो तो हम बाघों के पैरों के निशान और मल गुटिकाओं से पता लगाते हैं कि कितने बाघ होंगे। और जब हम नंबर की बात करते हैं तो जैसे नंबर, जब हम समष्टि में नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें केवल नंबर ही नहीं देखने होते बल्कि उनकी इंपॉर्टेंस भी देखनी होती है। जैसे एक एरिया है वहां पर पार्थेनियम के 200 पेड़ हैं, 200 पौधे हैं, ठीक है, लेकिन बरगद का एक पौधा है, तो बरगद का जो पौधा है उसका महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है, भूमिका बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो बरगद के पेड़ की ज्यादा है। तो ऐसे मामलों में हम बायोमास को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बायोमास को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। एक क्षेत्र में सजीवों की संख्या एन को जब हम इकाई क्षेत्रफल में संख्या से भाग देते हैं तो वहां पर निकल कर आता है हमारा समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन अपॉन एस, टोटल पॉपुलेशन बटे लैंड एरिया कवर्ड बाय द पॉपुलेशन। किसी भी समष्टि का आधारभूत लक्षण उसका घनत्व होता है। किसी स्थान विशेष के एक इकाई क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कहते हैं। चलिए तो ये कुछ लक्षण हैं जिनमें पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ और नेटलिटी रेट, डेथ और मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो और लिंग अनुपात को हम कंसिडर करते हैं पॉपुलेशन के या समष्टि के महत्वपूर्ण लक्षणों में। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों किसी भी जाति के लिए जो पॉपुलेशन का साइज है वो स्थिर नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होता है या बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि यह निर्भर करता है, साइज किस पर निर्भर करता है, भोजन की उपलब्धता पर, परभक्षण के दबाव पर और मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर ये करता है। जो हैबिटेट है, आवास है, उनमें जो पॉपुलेशन की दर को घटाते और बढ़ाते हैं वो चार फैक्टर्स हैं, और इन चारों में से दो हैं जो समष्टि घनत्व या समष्टि के आकार को बढ़ाते हैं और दो हैं जो समष्टि के आकार को घटाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं।
सबसे पहला है इसमें जन्मदर। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे जन्मदर। जन्मदर से तात्पर्य है कि समष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक पॉपुलेशन से जुड़ती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये पॉपुलेशन के आकार में या पॉपुलेशन डेंसिटी में वृद्धि करती है। मृत्यु दर दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या से है, जो कि समष्टि के घनत्व या आकार को घटाती है। अगला है आप्रवासन, इमिग्रेशन। यह उस जाति के विष्टियों की संख्या है जो दी गई समय की अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। आप्रवासन, कहीं और से आए हैं, कहीं और से स्थायी रूप से आ जाते हैं, तो ये पॉपुलेशन की संख्या में वृद्धि करते हैं, पॉपुलेशन के साइज और पॉपुलेशन की डेंसिटी में वृद्धि करते हैं। उत्प्रवासन, उत्प्रवासन या इमिग्रेशन वह है जब समष्टि की वृष्टियां या इंडिविजुअल एक दी गई समयावधि के दौरान आवास को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। कहीं और चले जाएंगे पॉपुलेशन को छोड़कर, तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन डेंसिटी में और साइज में कमी आएगी। ठीक है, इसको एक सूत्र की सहायता, एक फॉर्मूला की सहायता से यहाँ पे समझाया गया है। माना कि टी समय में समष्टि का घनत्व एन है, तो टी प्लस वन समय में इसका घनत्व कितना हो जाएगा, एन टी प्लस बी प्लस आई, यानी बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, यानी बर्थ रेट जन्म दर से और आप्रवासन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मृत्यु दर और उत्प्रवासन से पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। अब बच्चों वृद्धि मॉडल को यहाँ पर समझिए। वृद्धि मॉडल, दो प्रकार की वृद्धियां पाई जाती हैं पॉपुलेशन में, चर घातांक की वृद्धि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और संभार तंत्र वृद्धि या लॉजिस्टिक ग्रोथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देके इसे समझिएगा, और जब आप ये वीडियो सुन लेंगे उसके बाद अपनी कॉपी में इसका अभ्यास भी कीजिएगा, तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद ग्राफ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, यानी चर घातांक की वृद्धि की। चर घातांक की वृद्धि अथवा ज्यामिति वृद्धि समान होते हैं। ये वृद्धि कब होती है, जब आदर्श आवास होता है किसी पॉपुलेशन के लिए, जब संसाधन असीमित होते हैं और किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर का दबाव नहीं होता है। तो क्या होता है, तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे से वृद्धि करती हैं, जातियां बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, अपनी जनन क्षमता का पूरा उपयोग करती हैं और खूब ज्यादा फलती फूलती हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, अगर एन साइज की समष्टि में जन्म दरें बी के रूप में और मृत्यु दरें डी के रूप में निरूपित की जाती हैं, तो इकाई समय अवधि टी dn अपॉन dt के दौरान वृद्धि या कमी इस प्रकार होगी। dn अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n, b माइनस d इज इक्वल टू r होता है, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। यहाँ पे r है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक दर, r क्या है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रेंसिक दर, जो है b माइनस d, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। नार्वे के चूहों के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, नार्वे के चूहों के लिए आर का मान है 0.015 और आटा भृंग के लिए है 0.12। ठीक है, इसको हम एन को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो हमें जे आकार का वक्र यहां पर प्राप्त होता है। ये देखिए, ये हमारी चर घातांक की वृद्धि यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है, जिसमें एक और हमारा समष्टि घनत्व है, एक हमारा समय है, और ये जो हमारा समष्टि का घनत्व है ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, साधन असीमित है, भोजन भरपूर है, कोई शिकारी का दबाव भी नहीं है, तो जातियां खूब सारी फलती फूलती हैं। डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन यहाँ पर होता है। ठीक है,
डार्विन कहते हैं कि अगर चर घातांक की वृद्धि होती है तो कोई भी जाति थोड़े ही समय में विशाल पॉपुलेशन डेंसिटीज तक पहुंच सकती है। इवन हाथी जैसे धीमे प्राणी, धीमे बढ़ने वाले प्राणी भी अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करें तो इनकी विशाल संख्या हो सकती है। और चर घातांकी रूप से वृद्धि करने वाली जो जातियां हैं वो बहुत जल्दी बहुत बड़ी पॉपुलेशन का निर्माण कर लेती हैं। पर बच्चों जो वास्तविकता है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किस प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि चर घातांक की वृद्धि होती रहे, क्योंकि ये नेचर के लिए भी खराब है, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेचर बहुत बैलेंस करके चलती है। इसलिए किसी भी जाति के इंडिविजुअल्स के लिए एक्सपोनेंशियल जो है वो वृद्धि पॉसिबल नहीं है, चर घातांक की वृद्धि पॉसिबल नहीं है। एक तो ये समझ लो कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे, जबकि इसमें हम मान रहे हैं कि रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी वृद्धि होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, संभार तंत्र वृद्धि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीमित संसाधनों के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, और जो इस कॉम्पिटिशन में जीतता है वही आगे बना रहता है और अपना जनन करता है, ठीक है। प्रकृति में जितने भी आवास या हैबिटेट होते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। ये कोई हैबिटेट है, इसके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं कि ये कुछ ही संख्या को अच्छे से फल फूल सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कुछ ही संख्या में जो स्पीसीज है उसके इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा को यह सपोर्ट नहीं कर सकता है, उससे जितनी इसकी क्षमता होती है उतने को ही सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा को सपोर्ट नहीं करता है। इसे इसका पोषण मान या के कहते हैं, इसको के से दर्शाते हैं, इसको पोषण मान या के कहते हैं, ठीक है। किसी आवास में सीमित संसाधनों में, आवास में सीमित संसाधन होते हैं, उसके साथ वृद्धि करने वाली जो पॉपुलेशन होती है आरंभ में वृद्धि करती है खूब अच्छे से, जिसको हम लैग फेज कहते हैं, ठीक है, खूब आसानी से वृद्धि करेगी। कहां तक? जहां तक की क्षमता होती है, पोषण क्षमता होती है उस आवास की, वहां तक तो खूब सारी वृद्धि करती है, लेकिन उसके बाद उस पॉपुलेशन की डेंसिटी, उनकी वृद्धि रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। किसके बाद? पोषण क्षमता की लिमिट के बाद, जब एक लिमिट तक पहुंच जाती है उसके बाद ये स्टेबल हो जाती है, उसके बाद त्वरण और मंदन की स्टेजेस आती हैं। तो इसी को हम विस्टल पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं, विस्टपल लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। k यहाँ पर है पोषण क्षमता, n है समय t पर समष्टि घनत्व, r है प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर, और k तो आपको बताइए है यहाँ पर पोषण क्षमता है। अधिकांश प्राणियों की जो पॉपुलेशन है उनमें वृद्धि के लिए संसाधन असीमित नहीं होते हैं, ये सीमित संसाधन होते हैं, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये सीमित होने लगते हैं। इसलिए जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है इसको ही रियलिस्टिक और यथार्थ यहाँ पर माना गया है, ठीक है। बच्चों ये जो आपका चित्र है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसमें जो शेप बनता है एस शेप बनता है, किसमें? एस शेप बनता है आपकी लॉजिस्टिक में, और जे शेप आपका बनता है किसमें? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, ठीक है। जे शेप हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बनता है, जिसपे हमारी जो पॉपुलेशन में बढ़ती जाती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, एक समय तक तो खूब फलती फूलती है पॉपुलेशन। कब तक फलती फूलती है? जब तक की पोषण क्षमता नहीं आ जाती, ठीक है, जब तक कि उसकी पोषण क्षमता तक तो ये फलता फूलता है, उसके बाद ये स्टेबल या स्थिर हो जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने बात की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, लॉजिस्टिक ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ की,
कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है कैसे घटती है, साथ में हमने जो पॉपुलेशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे। तो आपने आज जो कुछ भी सीखा उसे एक बार